ये मेरे बाइक में बहुत ही कम पेट्रोल बचा है और अभी 15 किलोमीटर और है फ्यूल पंप, बस वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ फ्यूल। गुड मॉर्निंग, और निकल चुके हैं बिलासपुर से, तो बिलासपुर से निकल चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये नेहरू चौक पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट। ये रहा नेहरू चौक, आइकॉनिक। तो आज सफ़र है गया का, कुछ इमरजेंसी इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, काफ़ी दिन से जाना था बट अभी अर्जेंटली मैं जा रहा हूँ। और आगे का भी प्लान है, देखते हैं आगे सिक्किम गुवाहाटी का, बट अभी चूँकि कोविड वापस से जो सेकेंड वेव चालू हुआ है तो फिर से कई स्टेट ने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का डिमांड कर रहे हैं एंट्री के लिए। देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है, एक बार पटना पहुंचते हैं, फिर आज गया पहुंचना है। और गया मेरा नानी घर भी है तो, और बर्थ प्लेस भी है। चलिए चलते हैं, मेरा रूट जो होगा वो यहाँ से अभी मैं रतनपुर, कटघोरा, पाली, और ये रहा महामाया चौक। तो रतनपुर, पाली, कटघोरा, अंबिकापुर। अंबिकापुर से एक रूट सीधा चली जाती है रामानुजगंज, वो रूट सुनने में आया अभी ख़राब है, इधर एक साल में काफ़ी ख़राब हो गया है। तो मैं वहाँ से अंबिकापुर से प्रतापपुर, प्रतापपुर से फिर एक रोड निकलती है बलरामपुर के पास जो मेन हाईवे पे मिला देती है, वहाँ से रामानुजगंज, और रामानुजगंज से मोस्टली यूजुअली गढ़वा होके जाते हैं, बट मैं आपको एक अंदर वाले रास्ते से लेके चलता हूँ। और वही औरंगाबाद होते हुए फिर आप लेफ़्ट चले जाएँगे तो पटना के लिए, और राइट में चले जाऊँगा GT रोड पकड़ के डोभी होते हुए गया। चलिए चलते हैं, यहाँ से अप्रॉक्स 580 किलोमीटर है एज पर गूगल, और देखते हैं 13 साढ़े 13 घंटे दिखा रहा है गूगल, कितना टाइम लगता है। अभी हम लोग खूटा घाट क्रॉस कर रहे हैं। खूटा घाट पे अगर आपने मेरा वीडियो भी रिसेंटली नहीं देखा है तो आप चेक करिएगा, मैं यहाँ कहीं आई बटन में डाल दूंगा। ये रहा खूटा घाट, यहाँ से आप नीचे तरफ जा सकते हैं और आगे से आप ऊपर वाले हिल पे जा सकते हैं। खूबसूरत दिख रहा है मॉर्निंग। और पाली से कटघोरा का जो रोड था वही सबसे ज़्यादा वॉश कंडीशन में था लास्ट टाइम जब मैं आया था अपने अंबिकापुर जाते समय अपने डिस्कवर में, तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें रोड की हालत है बहुत ख़राब है, लेकिन अभी ये रोड काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में है पहले के कंपैरिजन में। ये देखिए सुतर्रा है, इधर से आप कटघोरा बाईपास कर जाएंगे, लेकिन मैं अभी इधर से जा रहा हूँ, उधर थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो अंदर से चलते हैं। से आया कि यहाँ मुरली में कुछ खाएंगे बट अभी ये बंद है, और ऑब्वियस सी बात है अभी 7 भी नहीं बजा है, ये घड़ी थोड़ी फास्ट है तो इस पर आप मत जाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कटघोरा तक पहले कंपैरिजन में अब रोड काफ़ी अच्छा हो गया है बिलासपुर से। आ गए टोल रोड पे, देखिए और ये 4 लेन नहीं है, थोड़ी दूर बस है, सिंगल लेन ही है रोड। चलिए यहीं चाय पीते हैं। राजा ग्राम चोटिया दिला जिला दिला जिला कोरबा दिला। ये देखिए उदयपुर पहुंचने वाले हैं और पिछला 90 किलोमीटर जो था रोड काफ़ी अच्छे थे, जैसा कि मैंने बताया था आपको कटघोरा के बाद। अब इधर उस समय रोड कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, देखते हैं अभी क्या हालत रहती है, फिर जैसा होगा मैं अपडेट करते रहूँगा आपको। So, हाँ जी, अभी अंबिकापुर पहुँचने वाले हैं, अप्रॉक्स 200 किलोमीटर हो चुका है। तो चलिए, राइड अच्छी जा रही है, रोड कंडीशन अभी काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से, गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अंबिकापुर पहुंच गए हैं और 225 किलोमीटर हुआ है, करीब 4.5 आवर लगे, 4.5 घंटे में 225 किलोमीटर। बीच बीच में रोड बहुत ख़राब थे कहीं कहीं, तो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक तो एवरेज अपना। और ये रोड बहुत ख़राब था, अब ये भी बन चुका है। चलिए चलते हैं, अंबिकापुर बाईपास लेके मैं प्रतापपुर की तरफ बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर से जाऊँगा। एक जगह है जहाँ मैं लास्ट टाइम कुछ खाया था, कुछ वहाँ हल्का फुल्का खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ये देखिए, मैं यहाँ खाया था, इसके भरोसे आया और ये अभी बंद है, तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं। अंदर से ही जाना था, ये बस स्टैंड के पास ही है ये। अच्छा, इसने खिलाया था पिछली बार काफ़ी, फोटो होगा तो कहीं मैं अटैच करूँगा। अंबिकापुर बहुत नीट क्लीन एकदम, और जो लोग नहीं जानते हैं, ये क्लीनेस्ट सिटी है आई थिंक, छत्तीसगढ़ का क्लीनेस्ट सिटी अंबिकापुर ही है। यहाँ से अब हमें राइट लेना होगा, जी हाँ, टॉप चौक, यहाँ से राइट। चलिए, ब्यूटीफुल सिटी अंबिकापुर। ये प्रतापपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है। चलते हैं, रोड इधर अच्छे हैं जैसा कि मैंने सुना है। मैं पहली बार इस रूट से जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा सीधा रामानुजगंज जाता था, बट वो रोड ख़राब है जैसा कि सुनने में आया है। तो चलते हैं इस, ये ख़तरनाक है, दोनों तरफ से काट के बनाए हैं रोड को। उधर पुल का काम चालू है, पुल बनने के बाद ये आई थिंक सही हो जाएगा। ओके, यही वो ब्रिज है, पुल है जो बारिश के समय में पूरा पानी इस पे रहता है। ओके, और देखिए उधर वो पुल का काम चालू है। ये प्रतापपुर पहुंचने वाले हैं, प्रतापपुर, और ये रोड बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी, बीच में ब्लैक पिच टारमैक। और ये रूट बहुत खूबसूरत है, बहुत चारों तरफ वैली, आज तो उतनी क्लियर दिख नहीं रही है, ये बहुत अच्छा लगता है इस रोड पे। कभी जंगल है, जंगल से अचानक आप निकलोगे, प्लेन्स पे आ जाओगे, वैली दिखेगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये रूट। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे आपसे रामानुजगंज में। तो ये अभी सेमरसोत पहुंचने वाले हैं और वहाँ से लेफ्ट लेना होगा टुवर्ड्स बलरामपुर एंड रामानुजगंज। राइट चले जाएंगे तो फिर से आप अंबिकापुर मेन जो हाईवे है उधर चले जाएंगे। तो ये रहा वो टी जंक्शन। इधर जाएंगे तो अंबिकापुर, इधर जाएंगे तो बलरामपुर, रामानुजगंज। ये देखिए सेमरसोत लिखा हुआ है। अगर आप उधर से आ रहे हैं तो यहीं इधर आपको मुड़ना होगा। तो बस चलिए चलते हैं। खराब रोड आ गया, आई थिंक वहीं तक अभी काम हुआ है रोड का, हो सकता है आगे हुआ हो। ये घाट है तो घाट पे देखते हैं आगे। कंडीशन है इधर तो, रोड की कंडीशन बहुत खराब है। ये रामानुजगंज पहुंच चुके हैं, 356 किलोमीटर हुआ है। और ये है रामानुजगंज मोड़ जो है। आप सीधे जाएंगे तो उधर वाड्रफ नगर होते हुए बनारस ये रोड चली जाती है। हमें आगे से राइट लेना होगा। ये देखिए वाराणसी यहाँ से 295 किलोमीटर है, वाड्रफ नगर 60, गया 240। इधर हमें राइट लेना है हल्का सा। और ये रहा इधर, ये देखिए छत्तीसगढ़ शासन, डाल्टनगंज 95 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। धन्यवाद जितना पधारे। ये रहा वो रिवर जो बॉर्डर को सेपरेट करता है झारखंड और छत्तीसगढ़ से। अब हम झारखंड एंटर कर चुके हैं। ये देखिए आप गढ़वा के लिए इधर जाएंगे, यहाँ से गढ़वा होके भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं गढ़वा होके नहीं जा रहा। एक नया रूट आपको बताता हूँ, वो है डाल्टनगंज होके। ये अंदर से आपको डाल्टनगंज निकालेगी। यहाँ से आप राइट ले लीजिएगा आगे आके। देखिए भंडरिया करके बोर्ड लगा है। और यहाँ से सीधा चलना है। आप किसी से भी पूछेंगे डाल्टनगंज के लिए तो आपको बता देगा। ये रोड अच्छा है इसलिए कंसिडर करता हूँ उसको। ये देखिए जब आप उधर से आएंगे तो यहाँ पे दो रूट जाता है, सीधा चला जाता है, एक लेफ़्ट जाता है। तो आप इधर से लेफ़्ट जाइएगा। बहुत खूबसूरत है ये रूट, रोड भी बना हुआ है। तो और ये रामकंडा डाल्टनगंज देखिए 50 किलोमीटर पर दिखा रहा है। सीधा डाल्टनगंज निकालता है। बहुत खूबसूरत रूट है, एकदम जंगल के बीच से। बस इधर देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्रॉस विंड है, गाड़ी संभाल नहीं रही है। मैं रोड अच्छा होने के बावजूद 50-60 से ज़्यादा नहीं चला पा रहा हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है गाड़ी उधर लेके चली जाएगी बाइक को, क्योंकि थोड़ा खुला हुआ एरिया इसलिए और ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है। ये देखिए डाल्टनगंज पहुंच रहे हैं। और ये है कोयल नदी, ये कोयल रिवर है। और जस्ट आप गढ़वा तरफ भी उधर से आएंगे तो ये रिवर ही क्रॉस करना होता है आपको। कोयल रिवर गढ़वा में भी आपको मिलेगा। ये जो फ्यूल स्टेशन है, मैं जब भी गुजरता हूँ इधर से मोस्टली मैंने यहीं फ्यूल अप कराया है। चलिए आज भी इस परंपरा को कायम रखते हैं। पेट्रोल नहीं है, आगे 25 किलोमीटर पर है, उससे पहले नहीं मिलेगा इधर। ये मेरे बाइक में बहुत ही कम पेट्रोल बचा है और अभी 15 किलोमीटर और है पेट्रोल पंप। बस वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ फ्यूल अवेलेबल हो। तो यहाँ एक फ्यूल स्टेशन है, चलिए देखते हैं बस पेट्रोल अवेलेबल हो, अदरवाइज अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ है। हाँ, फ्यूल ले लिया छतरपुर में। इधर कोई फ्यूल स्टेशन है ही नहीं। डाल्टनगंज में था लेकिन मेरे रूट में नहीं मिला, तो डाल्टनगंज में ही जस्ट पहले रिजर्व लगा था अंदर में, तो उधर कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं। मैं सोचा पड़वा मोड़ पे हमेशा मैं फ्यूल अप कराता हूँ तो वहीं करा लेंगे, और वहाँ था नहीं आज। आगे 25 किलोमीटर इधर या पीछे 20 किलोमीटर डाल्टनगंज। फंस गया था, थैंक्स गॉड बच गया। चलिए चलते हैं। ये देखिए छतरपुर से एक रास्ता मैंने अंदर के लिए लिया है, ये दिखा रहा था इमामगंज होके सिरघाटी निकलेगा। ये 20 किलोमीटर शॉर्ट है। चलिए देखते हैं चल के, औरंगाबाद नहीं जाके इधर से। कैसा है मैंने पूछा है ऑटो वाले से, तो उन्होंने बताया कि रोड तो अच्छा है। चलिए ट्राई करते हैं। ये भी एक रोड ठीक है, रोड अच्छी है बट बहुत घुमावदार है रोड, आप देख सकते हैं। काफ़ी टाइम टेकिंग है इसीलिए। तो आप डिसाइड करिएगा, आप या तो सीधा सीधा हरिहरगंज होते हुए औरंगाबाद जाके आ सकते हैं, या फिर ये रूट भी ले सकते हैं। थोड़ा एक मुझे एक चेंज मिला, मैं सोचा कि आप लोग को भी शेयर कर पाऊँगा। उस रूट से मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। ये आ गए हम लोग जीटी रोड, पीछे जाएंगे तो दिल्ली वाराणसी होते हुए सीधा इधर कोलकाता बरही होते हुए। चलिए कुछ 1-8 किलोमीटर आई थिंक चलना होगा इसको। ये अभी गया यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर बचा है और अंधेरा होने वाला है। यह देखिए बोर्ड था 10 किलोमीटर का। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में रोड के रिगार्डिंग, आप जनरल कोई भी चीज़ आपको जानना हो तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ उसे रिप्लाई करने की। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो बेसिक डिसलाइक कर दीजिए। फीडबैक दे के जाइए, वो मैटर करती है। चलिए।